आम आदमी पार्टी की सरकार बनिया पूरा एक साल हो गया। 16 मार्च में सरकार बनाई सी। बदलाव के नारे के नाल पंजाब दीआं दो वड्डीआं पार्टियां नूं हरा के बनी सी आम आदमी पार्टी की सरकार। एक साल पूरा हो गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले साल इसे दिन 16 मार्च 2022 नूं शहीदां दी धरती खटखट कलां विखे सहुं चुके पूर्ण बहुमत नाल सरकार बनाई सी। खास रिपोर्ट सरकार दा एक साल। तुसी ता झाड़ू फेरता, तुसी अपनी जिम्मेवारी निभाती, हुण जिम्मेवारी निभाउण दी वारी मेरी। 16 मार्च 2022 यानी एक साल पहला पंजाब च सत्ता परिवर्तन होया सी, जिस नूं बदलाव दा नाम दिता गया। वह बदलाव जदों भगवंत मान की अगवाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस नूं पटखनी दे विधानसभा दीआं पौड़ियां चढ़ सत्ता दे सिखर ते पहुंची। बतौर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता की कमान अपने हाथ ली। 10 मार्च 2022 नूं पंजाब विधानसभा चोणां दे नतीजे आए, जिस दे फलस्वरूप पंजाब विधानसभा दीआं 117 चों 92 सीटां उत्ते आम आदमी पार्टी ने जित दा परचम लहराया सी। 16 मार्च नूं भगवंत मान ने खटखड़ कलां च करवाए गए समागम च बतौर मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी। मैं भगवंत मान ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज दे मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी ते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा, अते मैं भय जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून नूं अनुसारता विच न्याय करांगा। शहीद भगत सिंह दे पिंड खटखड़ कलां च करवाए इस समागम जरिए मान सरकार ने सूबे च नवे इनकलाब दा नारा दिता सी। बतौर मुख्यमंत्री सूबे दी कमान संभालण मौके भगवंत मान ने पंजाब दे लोकां नाल कई वड्डे वादे कीते, जिस च सब तो पहला वादा सी पंजाब नूं खुशहाल बनाउण दा। इस तों इलावा बेहतर सिक्ख्या, बेहतर सेहत सहूलतां ते सूबे च बेरोजगारी खत्म करना भी वड्डे वादियां विच शामिल सी। हुण मान सरकार नूं सत्ता विच आए एक साल हो चुकिया। इस एक साल च की बदलिया? पंजाब दे लोकां नाल कीते वादे मान सरकार ने किन्ने वफा कीते, पंजाब दे लोकां दी जबानी ही सुन लो। ओही थोड़ा टाइम देना चाहिए, एक साल विच की प्रोग्रेस अहीं अपेक्षा कर सकदे आ। एज लाइक दैट पर्सन हैज डिस्कस्ड विद यू, टाइम तो लगेगा सरकार नूं। आई विल गिव 7 नंबर्स टू दिस गवर्नमेंट। मान सरकार नूं ठीक आया, साल हो गया, वादे तो बड़े कर रहे ते कीते भी है, पर इन्हां हाथ पहले कुछ है नहीं, जां फंड नहीं है, जां कुछ है, जां ब्यूरोक्रेसी नहीं चलन दे रही। कुछ चलन सख्ती करन, ये पंजाब है, पंजाब सख्ती नाल ही काम चलना है। टले मिठियां मिठियां गल्लां नाल काम नहीं चलना। जे कहिंदे नंबर देने, नंबर ते दसां चों हाली चार पंज मिलेंगे। सर जिन्ना भैड़ा हाल बादल सरकार और अमरिंदर सरकार ने पिछले 15 साल च पंजाब का कर दिता सी, वह इन्ना नुकसान पंजाब का किया, उन्होंने इन्ना कर्जा पंजाब से चढ़ाता, तो उन्होंने हूँ पूरा करना से मान साहब न घट्टो घट 5 साल तो लगन गए ना। जे असी कह दी एक साल चो कोई जादू जी छड़ी है, वह तो कभी हो नहीं सकता। जो उन्होंने पंजाब का लुट पुट की, पंजाब के खजाने की ओरी भरपाई तो करने से मेरे हिसाब से दोबारा 10 साल तो लग जाएंगे मिनिमम। कार्यकारी तो हजे महाराज जी कोई इन्नी खास देखने को मिलती नहीं पई। चोरी चकारी बड़ी वध गई है, तो लोग वाकई परेशान ही है। चोरी चकारी का हिसाब ला लो तुसी, मेरे कल मेरे घर के उपरों ला के लै गए, अपना मेरी बैटरी ला के लै गए है, तुम हिसाब ला लो। हाँ जी, वो कहने का मतलब है घर कैमरे लगे उसके बावजूद ला के लै गए, घर से है सारे जड़े जी। पुलिस थाने गए हैं रिपोर्ट लिखवाने वास्ते, वो कहते महाराज की रिपोर्ट लिखी है जी, तो को भेती होगा। मैं कहना मतलब है कि जिसे स्कूटर कई चोरी हो जाती है, कारा चोरी हो जाती है, कोई हिसाब का भी है, बहुत वधिया काम। मान सरकार नूं आया एक साल हो। तो तुसीं भी सुन लिया कि लोगों का की कुछ कहना है, कि बदलाव किन्ना को आया। साडी सहयोगी प्रियंका मिलू साडे नाल लाइव जुड़ चुके ने, गलबात करदे आ। प्रियंका, सरकार बनी नूं अज पूरा साल हो गया है और बहुत सारियां गरंटियां लोगों नूं दित्तियां गईआं सी। की लगता है कि सिक्ख्या की गरंटी किन्ने फीसद पूरी हुई, सेहत की किन्नी पूरी हुई, नशा किन्ना को खत्म होया, तो किन्नियां को नौकरियां नौजवानों मिलियां?
जसमीत आम आदमी पार्टी की सरकार बनी नूं एक साल हो गया असी लोगों नाल भी गलबात की है लोगों ने भी अपने इस बारे पूरे विचार दिते ने क्योंकि लोगों ने बदलाव की सरकार लेके आंदी सी दस दईए पंजाब के इतिहास दे विच जदों तो हरियाणा अलग होया 1966 तो बाद 56 सालां दे इतिहास दे विच पहली बार पंजाब दे लोकां ने इन्ना वड्डा मैंडेट किसी भी पार्टी नूं दित्ता है 92 सीटां जित के आम आदमी पार्टी की सरकार बनी सी लोगों ने बहुत वड्डा भरोसा जताया सी बहुत वड्डियां गरंटी दस दईए कि मैनीफेस्टो जिहड़ा आम आदमी पार्टी दे वल्लों जारी नहीं किया गया सी गरंटियां दित्तियां गईयां सी गरंटी कार्ड जिहड़ा है वह लैके आम आदमी पार्टी के वर्कर जिहड़े ने वह घर घर पहुंचे सी जिस विच सब तो वड्डी गरंटी जिहड़ी सीगी उह मुफ्त बिजली दी ते 24 घंटे कंटीन्यू जिहड़ी लगातार बिजली का वादा जिहड़ा है सरकार वल्लों सत्ता चोण तो पहलां कीता गया सी इस तों इलावा कि पंजाब दे विच असी बहुत जल्द जिहड़े है नशे खत्म कर दिए गए सिक्ख्या नूं लैके सब तो वड्डियां गरंटियां दित्तियां गईयां सी गल करदे कि आखिर किस खेत्र दे विच किन्ना कु काम आम आदमी पार्टी की सरकार जिहड़ी कर सकी है क्योंकि दिल्ली मॉडल लागू करने की गल की गई सी तां मोहल्ला क्लीनिक का सब तो वड्डा मेन प्रोजेक्ट जिहड़ा आम आदमी पार्टी का रहा सीगा उसनूं अप्लाई करने की कोशिश रही है दस दईए सरकार ने पहला जिहड़े 100 सरकार बनदिया सर 100 मोहल्ला क्लीनिक जिहड़े आ लोगों के लोकार्पण किए सीगे लोगों नूं समर्पण किए सीगे उस तों बाद 15 अगस्त नूं सरकार दे वल्लों 400 होर मोहल्ला क्लीनिक जिहड़े आ उह लोकार्पण किए गए ते हुण दस्सिया जा रहा है आने वाले दिनां दे विच 31 मार्च तक 142 जिहड़े आ मोहल्ला क्लीनिक होर मुहैया करवाए जाणगे तां असीं इस गल नूं लैके कह सकदे हां कि सरकार जिहड़ी है सेहत सहूलतां नूं लैके संजीदा नजर आ रही है क्योंकि मोहल्ला क्लीनिक जिहड़े आ लगातार उहनां दी गिणती वधाई जा रही है स्टाफ जिहड़ा अवेलेबल करवाया जा रहा है ते बहुत सारे जिहड़े टेस्ट है उत्थे अवेलेबल करवाए जा रहे हैं एक अंकड़े अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि हुण तक 10 लाख लोग जिहड़े है वह मुहल्ला क्लीनिकां दे विच अपना इलाज करवा चुके हैं ते 41 तरह के जिहड़े टेस्ट है मुहल्ला क्लीनिक दे विच फिलहाल जिहड़े ने वह अवेलेबल ने पर इस दे उत्ते केंद्र सरकार दे वल्लों प्रश्न चिन्ह उस वेले लगाया गया जदों केंद्र ने कहा कि जिहड़ा फंड है वह प्रधानमंत्री योजना के अधीन है पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी ब्रांडिंग के लिए पैसा खर्चा दस दईए आम आदमी क्लीनिक का नाम जिहड़ा है मुहल्ला क्लीनिक नूं पंजाब दे विच आम आदमी क्लीनिक दा नाम दिता गया जिसनूं लैके केंद्र ने बहुत वड्डा सवाल जिहड़ा है उठाया सी उस तों बाद जिहड़ा फंड भी सरकार ने पंजाब दा जिहड़ा है ओह रोक लिया सी उस तों बाद सिक्ख्या दी गल करदे आ जसमीत सिक्ख्या दे खेत्र दे विच भी भगवंत मान जिहड़े ने सत्ता चोण तों पहलां बहुत वड्डे दावे वादे कीते गए सी कि सिक्ख्या दे खेत्र दे विच अध्यापक जिहड़े ने वध तों वध जिहड़े स्कूलां दे विच अध्यापक मुहैया करवाए जाणगे ते अध्यापक सिर्फ अध्यापन दा ही काम करनगे उहनां तों होर कोई भी गैर सरकारी या सरकारी काम जिहड़ा है ओह नहीं लिया जाएगा तां दस दईए सरकार ने पिछले बीते ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨ ਬੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਆਫ ਹੋਪ